नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे हम पित्त की पथरी के नाम से जानते हैं और ये इतने कॉमन है कि दुनिया भर में दूरबीन से किए जाने वाले ऑपरेशनों में पित्त की पथरी का ऑपरेशन नंबर 1 पे आता है। तो इसी से आप इलाज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कॉमन बीमारी है और इसका ऑपरेशन कितना कॉमनली किया जाता है। सो पित्त में पथरी होने का एग्जैक्ट कारण क्या है ये तो अभी साइंस भी नहीं जानती, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जैसे अगर पित्त में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी जरूरत से ज़्यादा हो तो उससे पथरी बन सकती है, या एक पिगमेंट जिसे हम बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो उससे भी पथरी बन सकती है, या पित्ता नॉर्मली काम ना कर रहा हो यानी वो सिकड़ने का काम यानी अपने आप को एम्प्टी करने का काम ना कर रहा हो उससे भी पथरी बन सकती है। फिर कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें पित्त की पथरी बनना ज़्यादा कॉमन हो जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी होना, एज 30-40 के बीच में होना, फीमेल होना, वजन जरूरत से ज़्यादा होना, खुराक में फैटी कंटेंट ज़्यादा होना और फाइबर्स का कम होना, कुछ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस के पेशेंट्स में पित्त की पथरी ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, और अगर आप अपना वजन बहुत जल्दी से कम कर रहे हैं तो उन कंडीशन में भी पित्त की पथरी बनने का खतरा रहता है। फिर हम जान लें कि अगर पित्त की पथरी है तो उसमें क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में पहले के टाइम में हो सकता है कि आपको कोई भी साइन या सिम्टम ना हो, कोई दर्द ना हो और आप इसे पता भी ना कर पाएँ कि आपके अंदर पथरी है, और कुछ पेशेंट्स में हम अगर किसी और कारण अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उन केसेस में बिना किसी तकलीफ के भी अल्ट्रासाउंड में पित्त की पथरी का पता चल जाता है। लेकिन अगर ये पथरी पित्त के अंदर फंसती है यानी कि उसके मुंह में जाके फंस जाती है तो उस कंडीशन में बहुत तेज़ पेन हो सकता है जो यूजुअली पेट के राइट और ऊपरी हिस्से में होता है, लेकिन ये ऊपर के सेंटर के हिस्से में राइट शोल्डर पर, पीठ की तरफ, इन जगहों पर भी जा सकता है। इसके अलावा इस टाइम में पेशेंट को उल्टी आना या उल्टी जैसा लगना, मन खराब होना, थोड़ा बुखार होना, ये सब भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर पथरी वहीं फंसी रहती है तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे पित्त के फंसे रहने पर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है जिससे हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, और अगर ये पथरी फिर भी ना निकले तो गॉल ब्लैडर फट सकता है, काला पड़ सकता है जिससे कि पूरे पेट में दर्द फैल सकता है, या अगर ये पथरी गॉल ब्लैडर से फिसल कर मेन लीवर के पाइप में आ जाए जिसे हम CBD कहते हैं तो लीवर का पूरा जूस ब्लॉक हो जाता है, और इस कंडीशन में जॉन्डिस यानी पीलिया होता है, उसके साथ साथ इन्फेक्शन से तेज़ बुखार होना, ठंड लगना, ये सब भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत साल रहता है तो हो सकता है कि कुछ ऐसे केसेस में उनको गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाए। इसके अलावा जो पथरी गॉल ब्लैडर से स्लिप हुई है वो पैंक्रियाज के डक्ट में अगर टच करती है तो उससे पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है जो कि एक जानलेवा बीमारी का रूप धारण कर सकता है। इसके बाद हम ये जान लें कि इसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। जब हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसमें हमें लगता है कि इसे गॉल स्टोन हो सकता है तो हम उसके रूटीन ब्लड टेस्ट जैसे कि CBC, जिसमें हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, इन्फेक्शन ब्लड में है या नहीं, फिर लीवर के फंक्शंस, इसमें हमें पता चलता है कि गॉल ब्लैडर के कारण कोई लीवर में असर तो नहीं पड़ गया, फिर अल्ट्रासाउंड जिसमें यूजुअली पथरी देखी जा सकती है, और अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जिससे ज़्यादातर गॉल ब्लैडर स्टोन्स का पता चलता है। इसके अलावा अगर हमें ऑपरेशन करना है तो हम बाकी रूटीन ब्लड टेस्ट और ECG एक्सरे वगैरह करवाते हैं। कुछ डाउटफुल केसेस में हमें CT स्कैन या MRI भी करवाना पड़ सकता है। इसके बाद इसके इलाज के लिए ज़्यादातर पेशेंट्स को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। इसको हम लैप्रोस्कोपिक तरीके से कर सकते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे कट्स आते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है तो आजकल ये बहुत सेफ है, इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो गया है। ये बहुत सारे सेंटर्स में डे केयर या सिंगल डे एडमिशन सर्जरी के तरीके से किया जाता है, यानी कि अगर आपका ऑपरेशन सुबह हुआ तो कुछ पेशेंट को हम शाम को भी भेज सकते हैं, कुछ को हम अगले दिन मॉर्निंग में भेज सकते हैं। इसके अलावा कुछ नई टेक्निक्स हैं जैसे आजकल मिनी हाइब्रिड लैप्रोस्कोपी, यानी कि हम जो लैप्रोस्कोपी के कट्स हैं उनको और भी छोटा करके स्पेशली फीमेल्स के लिए इसे कॉस्मेटिकली और बेटर बना सकते हैं, जिसमें
दूरबीन के ऑपरेशन से भी कम चीरा आएगा और उसमें स्टिच लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो ऑलमोस्ट स्टिचलेस सर्जरी होगी, ऑलमोस्ट स्कारलेस सर्जरी होगी, आपको ना बराबर चीरा और कोई भी स्टिच बाहर नजर नहीं आएगा। इसके अलावा एक टेक्निक है सिंगल इंसिजन सर्जरी, जिसमें हम नाभि के अराउंड ही कट लगाकर पित्त को रिमूव कर सकते हैं और कहीं भी कोई चीरा नहीं आएगा और जो नाभि के अराउंड चीरा है वो नाभि में ही छुप जाएगा। सो इसमें भी वर्चुअली ये स्कारलेस सर्जरी की तरह ही नज़र आएगा। इसके ऑपरेशन के बाद रिकवरी काफ़ी क्विक रहती है, आप एक या दो दिन में घर वापस जा सकते हैं। हफ्ते भर में आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि जैसे आप पूरे ठीक हो गए हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, अपनी सभी वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आप पहले कर रहे थे। पित्त के ऑपरेशन के बाद आपको अपनी डाइट में या लाइफस्टाइल में कोई मेजर चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप हेल्दी खाना पहले खा रहे थे वैसे ही आप खा पाएंगे, हर तरह की एक्टिविटी कर पाएंगे। पित्त अगर आपके पित्त में पथरी है तो उसे अंदर रख के अपने जान को खतरे में ना डालें, ये टाइमली सर्जरी करवाएं और अपने जीवन को खुल के जिए। थैंक यू। वीडियो में हम जानेंगे गॉल ब्लैडर के फंक्शन के बारे में। गॉल ब्लैडर एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे लीवर के निचले हिस्से से जुड़ा रहता है। लीवर में जो बाइल जूस बनता है वो दो पाइप्स के थ्रू, एक कॉमन पाइप जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू हमारी छोटी आंत में जाता है। गॉल ब्लैडर का काम है इस जूस को स्टोर करना और जब हम खाना खाते हैं उसके बाद इसे आंत में रिलीज़ करना। गॉल ब्लैडर एक सिस्टिक डक्ट के नाम से एक डक्ट के थ्रू सीबडी के साथ अटैच रहता है, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। जिस समय हम खाना नहीं खा रहे होते उस समय सीबीडी का जो ओपनिंग है आंत के अंदर वो क्लोज रहती है और बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है और उसमें स्टोर होता रहता है। जब हम कुछ खाते हैं उसके बाद कुछ हार्मोन्स के असर की वजह से ये स्फिंक्टर जो छोटी आंत में खुल रहा है वो ओपन हो जाता है और गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बाइल छोटी आंत में चला जाता है और हमारे खाने के साथ मिक्स होकर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि हमारा लीवर लगभग आधे लीटर से लेकर एक लीटर यानी 500 से 1000 ml तक का बाइल हर रोज़ बनाता है, जबकि गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी 50 to 100 ml ही होती है। इसका मतलब यह है कि गॉल ब्लैडर को इस बाइल को कुछ हद तक कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, उसमें से पानी सोखना पड़ता है ताकि वो बाइल को गाढ़ा कर अपने अंदर स्टोर कर पाए। किसी कारण अगर ये बाइल ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा हो जाए यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स बनने लगते हैं और एक बार ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर एक स्टोन के ऊपर और स्टोन बनना या उस स्टोन का बड़ा होना बहुत ईजी हो जाता है और ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। गॉल ब्लैडर में डिफरेंट कंडीशंस की वजह से भी स्टोन बन सकते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। किन्हीं कंडीशंस में अगर गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाते हैं जो यूजुअली वाइट या येलो कलर के होते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में बिलीरुबिन की क्वांटिटी ज़्यादा है, बिलीरुबिन खून के टूटने से बनता है और किसी कारण अगर ब्लड ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है बॉडी में तब भी ये गॉल ब्लैडर के अंदर बिलीरुबिन स्टोन्स बन सकते हैं जो कि डार्क कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन या डार्क ग्रीन कलर में ये स्टोन देखे जाते हैं। लास्टली अगर गॉल ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, यानी कि वो सिकट नहीं पा रहा है, तब भी गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल का स्टेसिस होने की वजह से ये स्टोन्स बन सकते हैं। गॉल ब्लैडर होने के कई सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें कि एक है फीमेल होना, क्योंकि गॉल ब्लैडर फीमेल्स में मेल्स के बजाय ज़्यादा कॉमन है। उनकी एज 30-40 के अराउंड होना, इन केसेस में भी ये ज़्यादा कॉमन है। प्रेगनेंसी होना, ओबेसिटी होना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल होना, खाने में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ऑयल का ज़्यादा होना, फाइबर का कम होना, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होना, ये सब कारण हो सकते हैं गॉल ब्लैडर होने के। इनके अलावा कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़, सिकल सेल एनीमिया, या अगर पेशेंट बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं या किसी कारण बहुत रैपिड वेट लॉस कर रहे हैं तो इनमें भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए? हेल्दी खाना खाइए, अपना वेट अच्छा मेंटेन कीजिए, वेट ज़्यादा है तो उसे स्लोली लूज़ कीजिए, बहुत रैपिड वेट लॉस से भी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। बहुत ऑयली या बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल वाला खाना ना खाइए। तो हम क्या कर सकते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के रिस्क को कम करने के लिए? एक हेल्दी खाना खाइए, खाने को फाइबर रिच रखिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट की क्वांटिटी कम रखिए, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी का रेजिम रखिए।
और अगर आप ओबीज हैं तो धीरे धीरे वेट लूज़ कीजिए। रैपिड वेट लॉस से भी गॉल ब्लैडर्स में स्टोन बनने का रिस्क बढ़ता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? पहले, अगर ये स्टोन आपके गॉल ब्लैडर के नेक में फंस जाए तो सेवेयर पेन हो सकती है। ये पेन कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक स्टे कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये स्टोन वापस निकल कर गॉल ब्लैडर के अंदर आ गया है या वहीं फंसा हुआ है। इसके बाद अगर ये रिलीफ नहीं होता है तब गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसकी वॉल काली पड़ सकती है, उसमें गैंग्रीन हो सकता है, इवन वॉल रप्चर हो सकती है जिसे हम परफोरेशन के नाम से जानते हैं, और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और जानलेवा भी हो सकता है। अगर ये स्टोन गॉल ब्लैडर से स्लिप होकर मेन सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट में स्लिप हो जाता है तो सीबीडी की ब्लॉकेज की वजह से जॉन्डिस हो सकता है, जिससे कि एक और ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है जिसे हम ERCP के नाम से जानते हैं, ये स्टोन निकलवाने के लिए। यही स्टोन अगर नीचे पेंक्रियाटिक डक्ट पे हिट करता है तो उससे पेंक्रियाटाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है, जो माइल्ड से लेकर बहुत सेवेयर हो सकती है। माइल्ड में आपको कुछ पेन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पेंक्रियाटाइटिस की सेवेरिटी बढ़ती जाती है ये जानलेवा भी हो सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको गॉल ब्लैडर के फंक्शन और गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आइडिया लगा होगा और आप अपना इलाज एक बेटर ढंग से करवा पाएंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन के नाम से जानते हैं, टेक्निकली इसे कोलीलिथियसिस कहा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है तो इससे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर उसके नेक पे आके फंसता है तो सबसे पहले पेशेंट यूजुअली पेन फील करता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर हमारे पेट के ऊपरी और राइट साइड के तरफ है, इसलिए हमें पेट के ऊपर राइट साइड में पेन यूजुअली फील होगा। अगर ये स्टोन उस ब्लॉकेज से कुछ देर के बाद हट जाए तो ये पेन अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक वहीं फंसा रहे तो इसके बाद गॉल ब्लैडर में सूजन होने लगती है, जिसे हम कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं, और उससे पेन लगातार लंबे समय तक बनी रहेगी। और उसके अलावा बाकी सिम्टम्स जैसे वॉमिटिंग होना, नौजिया होना, ये सब भी साथ में देखे जा सकते। अगर ये पथरी लंबे समय तक फंसी रहती है तो गॉल ब्लैडर में ब्लॉकेज होने की वजह से उसमें बाइल का फ्लो बंद हो जाता है और उसमें एक कंडीशन पैदा होती है जिसे हम म्यूकोसील कहते हैं, जिसमें एक क्लियर फ्लूड, पानी जैसा फ्लूड गॉल ब्लैडर में भर जाता है और ये कंटिन्यूस पेन भी पेशेंट को कर सकता है। और कुछ देर के बाद यही फ्लूड इन्फेक्शन होने की वजह से पस में तब्दील हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट को पेन के साथ साथ फीवर भी आ सकता है। सिर अगर ये हम ट्रीट नहीं करते तो गॉल ब्लैडर की वॉल काली पड़ सकती है, वो फट सकती है और ये जहर पूरे पेट में भी फैल सकता है और एक सिंपल बीमारी जानलेवा बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। यूजुअली ये पेन राइट अपर एब्डोमेन में फील की जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये दूसरी जगह जैसे कि राइट शोल्डर या पेट के कुछ और हिस्सों में भी फील हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर के कैंसर के बारे में। गॉल ब्लैडर कैंसर अनफॉर्चुनेटली नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी कॉमन है, लेकिन इसके सिम्टम्स इनिशियली ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि इनिशियल सिम्टम्स बहुत सटल होते हैं और जब तक ये फैल नहीं जाता या एडवांस नहीं हो जाता बहुत सारे लोगों को इसके सिम्टम्स के बारे में पता नहीं चलता। इसके सिम्टम्स एज माइल्ड एज सिंपल अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से लेकर आपको जॉन्डिस हो सकता है, अपर एब्डोमेन में पेन हो सकती है, आपको एक लंप फील हो सकता है, अपर एब्डोमेन में फीवर हो सकता है, और ये सारे सिम्टम्स में एक सिम्टम आपके गॉल ब्लैडर कैंसर का हो सकता है। गॉल ब्लैडर कैंसर होने का खतरा किन लोगों में ज़्यादा है? जिस तरह फीमेल्स में गॉल ब्लैडर का स्टोन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, उसी तरह गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क भी फीमेल्स में ज़्यादा है। एज ज़्यादा होना इट्सेल्फ एक कारण है, ये कैंसर ज़्यादा एज में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। गॉल ब्लैडर में अगर पॉलिप्स हैं, स्पेशली बड़ा पॉलिप है या मल्टीपल पॉलिप्स हैं, तो इन पेशेंट्स में भी कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके अलावा स्मोकिंग करना, अनहेल्दी हैबिट्स होना, ओबेसिटी होना, ये भी एक गॉल ब्लैडर कैंसर का कारण बन सकते हैं। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस और कुछ CBD के ऐसे सिस्ट्स हैं जिनमें गॉल ब्लैडर का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। क्रॉनिक सेल्मोनेला इन्फेक्शन भी एक इसका कारण है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में कोई भी स्पेसिफिक कारण मिलना पॉसिबल नहीं होता, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को गॉल ब्लैडर कैंसर है तो हमें उसके अंडरलाइंग कोई ना कोई ठोस कारण मिल ही जाए। बहुत सारे पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर कैंसर का पता गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद ही चलता है, यानी कि उन्होंने गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से ऑपरेशन करवाया और बाद में जब उसका टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि गॉल ब्लैडर में
कैंसर था। ऐसा उन केसेस में ज़्यादा कॉमन है जब ये प्रॉब्लम इनिशियल स्टेजेस में हो और गॉल ब्लैडर का कैंसर गॉल ब्लैडर की वॉल तक ही सीमित हो। गॉल ब्लैडर कैंसर का डायग्नोसिस कैसे बनता है? वेल, अगर तो आपको इनमें से कोई सिम्टम्स हैं या किसी और सिम्टम की वजह से आपके जब टेस्ट करवाए जाते हैं, यानी कि पेट का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, तो बहुत सारे पेशेंट्स में उनमें ये डाउट उभर कर आता है। अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन पर ये डाउट होने के बाद और कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं जो हमारे इस डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर रूटीन ब्लड टेस्ट के अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि वो सारे टेस्ट जो लिवर का फंक्शन दिखाते हैं, CA-99, CEA, ये ट्यूमर मार्कर्स हैं जो कैंसर के तरफ इशारा करते हैं। स्कैनिंग जैसे अल्ट्रासाउंड सीटी के अलावा MRI या MRCP की जा सकती है जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं गॉल ब्लैडर के कैंसर को लेकर। लास्ट में किसी भी कैंसर के लिए बायोप्सी की जाती है, लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर में हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता। बहुत रेयर केसेज में जब गॉल ब्लैडर कैंसर का डायग्नोसिस ना बन रहा हो तब एक बायोप्सी भी की जा सकती है। हर और कैंसर की तरह गॉल ब्लैडर कैंसर की भी स्टेजिंग की जा सकती है। स्टेजिंग समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन इसको हम सिंपल लैंग्वेज में जानें तो स्टेज वन का मतलब है कि गॉल ब्लैडर के अंदर के हिस्से में ही कैंसर कन्फाइंड है। स्टेज टू में गॉल ब्लैडर की जो बाकी वॉल्स हैं, यानी कि उसकी मसल है, वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। स्टेज थ्री में गॉल ब्लैडर के साथ का ऑर्गन जैसे कि लिवर है उसमें कैंसर फैल जाता है, और स्टेज फोर में ये और एडजेसेंट ऑर्गन्स या बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। इसके ट्रीटमेंट में स्टेज वन में अगर ये गॉल ब्लैडर के अंदर ही सीमित है तो सिंपल गॉल ब्लैडर रिमूवल से ही इसका क्योर हो सकता है। अगर आपके सर्जरी के बाद ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपका कैंसर था और उसके स्प्रेड का कोई भी एविडेंस नहीं है, तो सिंपल जो आपने गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई है वो भी सफिशिएंट हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे इसकी स्टेजिंग बढ़ती जाती है इसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता जाता है। बाद की स्टेजेस में हम लोग लिवर के रिसेक्शन कर सकते हैं, यानी कि जब ये लिवर तक फैल गया है और कहीं और नहीं फैला है तो हम गॉल ब्लैडर के साथ साथ जो लिवर जुड़ा हुआ है उसका पार्ट रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये और ज़्यादा फैल गया है तब इसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं रहती। पीलिया कम करने के लिए आपको एक ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि पीलिया कम हो जाए, और उसके बाद आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के थ्रू रिलीफ दिया जा सकता है। अगर तो गॉल ब्लैडर इंसिडेंटली डायग्नोस हुआ है, यानी कि आपके गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद उसमें पता चला है कि ये स्टेज वन था और कहीं और नहीं फैला है, तब तो इसके सर्वाइवल चांसेस यानी कि हेल्थ और आपकी लाइफ अच्छी रहती है। लेकिन इसके फैलने के बाद गॉल ब्लैडर का जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसमें सर्वाइवल चांसेस बाकी कैंसर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स यूजुअली लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं और तब तक ये कैंसर बहुत हद तक फैल गया होता है। लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से मिलिए, देखिए कि क्या स्टेज है और उस स्टेज में क्या बेस्ट इलाज किया जा सकता है। अगर गॉल ब्लैडर का क्योर पॉसिबल ना भी हो तब भी बहुत सारी पेलिएटिव केयर अवेलेबल है, यानी कि पेलिएटिव केयर से हम पेशेंट की लाइफ बेटर कर सकते हैं, कुछ हद तक उसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और इस कैंसर की आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी और आप अपना डिसीजन बेटर वे से ले पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिसिस्टाइटिस, यानी कि पित्ते में आने वाली सूजन के बारे में। कॉलिसिस्टाइटिस का मतलब है पित्ते में सूजन आना। कॉली जो वर्ड है ये गॉल ब्लैडर के लिए यूज किया जाता है और आइटिस इज फॉर इन्फ्लामेशन। सो कॉलिसिस्टाइटिस मीन्स गॉल ब्लैडर के अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन होना। ये कंडीशन ज़्यादातर गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से होती है। स्टोन्स कैसे बनते हैं ये हमने अलग एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है तब गॉल ब्लैडर के नेक में स्टोन फंसने की वजह से कॉलिसिस्टाइटिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। नॉर्मली गॉल ब्लैडर के अंदर सिस्टिक डक्ट से फ्लूइड यानी बाइल अंदर आता है और उसी डक्ट से वापस बाहर भी चले जाता है। लेकिन अगर इस स्टोन की वजह से ये सिस्टम रुक जाए, इस डक्ट का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाए, तब ये बाइल या जो फ्लूइड गॉल ब्लैडर की वॉल नॉर्मली सेक्रेट करती है वो गॉल ब्लैडर के अंदर ही फंस जाता है और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ने की वजह से गॉल ब्लैडर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। जब हमारे ऑर्गन में एक स्टोन फंसेगा तो सबसे पहले पेशेंट को पेन फील होता है, यानी कि राइट साइड में अपर एब्डोमेन में आपको पेन फील होगा जो कि धीरे धीरे बढ़ेगा। ज़्यादातर केसेस में एक हैवी मील खाने के बाद पेशेंट ये पेन फील करते हैं या इवन अर्ली मॉर्निंग में भी ये पेन उन्हें फील होती है। खाना खाने के बाद गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और इससे स्टोन फंस जाता है और वो पेन फील करते हैं। कुछ केसेस में विद इन फ्यू आवर्स ये स्टोन वापस निकल कर अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाता है और ये पेन ठीक हो जाता है बिकॉज जो सिस्टिक डक्ट का ब्लॉकेज था वो हट जाता है। लेकिन अगर ये स्टोन वापस नहीं आता
या ये 6 घंटे से ज़्यादा फंसा रहता है तो बहुत सारे केसेस में कॉलेसिस्टाइटिस यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन सेट इन हो जाती है जो फिर जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती, इवन दो स्टोन वहाँ से हट भी जाए उसके बाद भी, क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी किसी जगह पे इन्फ्लामेशन सेट इन हो जाती है तो उसे पूरा ठीक होने में टाइम लगता है। ये टाइम 1 से 1.5 महीने तक का हो सकता है। जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन सेट इन होती है तो उससे वहाँ पर फ्लूड जमा हो जाता है और गॉल ब्लैडर की जो वॉल है वो पहले से थिक हो जाती है, इससे जो पेन है वो परसिस्ट करती है। अगर ये बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो जाए तो पेशेंट को अपर एब्डोमेन में एक लंप भी फील हो सकता है। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन फंसा रहता है तो म्यूकोसील बन जाती है यानी कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर अपना सेक्रीशंस हैं वो इकट्ठे होने की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत सारा क्लियर फ्लूड एक्युमुलेट हो जाता है और उसका साइज़ बढ़ जाता है, जिससे भी आपको राइट अपर एब्डोमेन में एक बॉल जैसा मास फील हो सकता है। अगर ये म्यूकोसील में इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें पस बन सकती है जिसे हम एम्पाइमा के नाम से जानते हैं और उससे पेशेंट को फीवर हो सकता है, सिवियर पेन हो सकती है और इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत होती है। अगर ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है और टाइमली सर्जरी नहीं होती तो कभी कभी गॉल ब्लैडर की वॉल काली पड़ जाती है जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं या गैंग्रीन कहते हैं, और उसके बाद भी अगर ये गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं होता तो ये वॉल फट सकती है और अंदर का गंदा फ्लूइड या जो पस है वो बाहर पूरे पेट में फैल सकती है और एक जानलेवा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। सो सिम्टम्स क्या हैं गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन के या कॉलेसिस्टाइटिस के? पेशेंट को यूजुअली सिवियर पेन होता है राइट अपर एब्डोमेन में, जैसा हमने पहले बताया कि एक हैवी मील के बाद या अर्ली मॉर्निंग में, और ये पेन पेशेंट को नॉजिया यानी कि एक गंदी उल्टी जैसी फीलिंग आनी या वॉमिटिंग यानी कि एक्चुअल वॉमिटिंग होना ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपको फीवर हो सकता है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आगे स्लिप हो गया है तो पेशेंट्स को जॉन्डिस हो सकता है, ठंड लगकर बुखार हो सकता है जैसा कि कॉलिंजाइटिस में देखा जाता है, और अगर ये स्टोन की वजह से पैंक्रीटाइटिस सेट इन हो गया है तो उसमें बहुत सिवियर पेन होती है पेट के ऊपरी हिस्से में और ये पेन आपकी बैक में भी जा सकती है। जैसे ही आपको ये सिम्टम्स का पता चलता है आपको अर्ली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसको इवेल्युएट करना चाहिए और अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो इसकी एज सून एज पॉसिबल सर्जरी करवानी चाहिए। गॉल ब्लैडर में जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है तो हम चाहते हैं कि इसकी सर्जरी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो, क्योंकि जैसे जैसे सूजन बढ़ती जाती है ये ऑपरेशन करना और भी मुश्किल होता जाता है। हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है गॉल ब्लैडर को और आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उसके साथ जुड़ने लगते हैं, जैसे कि स्टमक है, छोटी आंत है, ओमेंटम है, ये सब जाकर गॉल ब्लैडर से चिपकने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम जाएगा ये और ज़्यादा हार्ड गॉल ब्लैडर के साथ चिपकते जाएंगे और सर्जरी मुश्किल होती जाएगी। सो कोशिश कीजिए जब भी ऐसे कोई सिम्टम्स हों आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं और देखें कि वाकई आपको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से एज सून एज पॉसिबल इसकी सर्जरी करवाइए। ये एक सिंपल सा ऑपरेशन है जिसको अगर टाइमली किया जाए तो आपकी लाइफ सेव हो सकती है, आपको इस प्रॉब्लम से इमीडिएटली छुटकारा मिल सकता है, आप बहुत जल्दी घर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें डिले होता जाएगा तो एक सिंपल प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। आपको एक के बजाय मल्टीपल सर्जरीज करवानी पड़ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, आप एज सून एज पॉसिबल इसका इलाज करवाइए। आजकल गॉल ब्लैडर की सर्जरी दूरबीन से की जाती है, इसमें कोई भी बड़ा कट नहीं लगता। हमारे यहाँ ये मिनी लेप्रोस्कोपी से भी अवेलेबल है जो बहुत ही छोटे कट से होती है, या ये आप सिल से भी करवा सकते हैं यानी कि सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें एक छोटा सा इंसिजन नेबल में दिया जाता है और कहीं कट नहीं रहता। सो इन सभी टेक्निक से आप इस प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी छुटकारा पा सकते हैं और ये डिस्चार्ज भी बहुत फास्ट होता है, आप सेम डे इवनिंग या नेक्स्ट डे मॉर्निंग घर जा सकते हैं। आजकल की जाने वाली सर्जरीज में कोई स्किन पर इंसिजन में स्टिच भी नहीं आता, आपको कोई भी टांका भी नहीं निकलवाना पड़ता, आप वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स लगवाकर नेक्स्ट डे से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, शावर कर सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें वापस जा सकते हैं। थैंक यू। वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाए यानी पित्ते में पथरी हो जाए तो उसकी कोई दवा है या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पित्ते में पत्थरी की कोई भी दवा नहीं होती,
ना एलोपैथी में, ना आयुर्वेदा में, ना होम्योपैथी में, ना ही किसी और दुनिया की किसी भी पैथी में। सो इसके लिए बेवकूफ़ ना बनिए। बहुत सारे लोग इंडिया में आपको बहुत सारी दवाइयाँ बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग ऐसी दवाइयाँ बेचना चाहते हैं, और इसके ख़रीदार भी बहुत हैं। हमारे पास आए दिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें पिछले कई सालों से पित्ते में पथरियाँ हैं, और वो अलग अलग दवाई खा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि इन दवाइयों से आपकी पथरी निकल जाएगी या खुल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। जब भी वो स्कैन करवाते हैं, पित्ते की पथरी वहीं की वहीं है, या उसका साइज़ वैसा ही है या बढ़ रहा है, और बहुत सारे पेशेंट्स में इसकी वजह से टाइम के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। पित्ता सिकड़ जाता है, पित्ते में बार बार इन्फेक्शन होने से उसमें पस पड़ सकती है। अगर ये स्टोन पित्ते से निकलेगा तो आगे जो मेन पाइप है जिससे लीवर से ये सारा जूस आंत में आ रहा है, वहाँ जाके फंस जाता है, जिससे पीलिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है, और इसको निकालने के लिए एक और ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सो जहाँ एक सिंपल दूरबीन के गॉल ब्लैडर ऑपरेशन से ये ऑपरेशन हो जाना था, वहाँ एक और सर्जरी करनी पड़ती है, यानी दो ऑपरेशन पेशेंट को करवाने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइमली ये सर्जरी नहीं करवाई। सो आप पित्ते की पथरी की दवाई ढूंढना बंद कीजिए, और इसका जो सिंपल साधारण सा इलाज है दूरबीन से ऑपरेशन, वो करवाइए। आजकल सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अलावा हम लोग मिनी लैप्रोस्कोपी भी करते हैं, और जो और भी एडवांस टेक्निक है, और जो सिंपल दूरबीन का ऑपरेशन है वो भी बहुत सरल है, 10 से 15 मिनट में हो जाता है, एक दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। सो इस सर्जरी करवाकर आप इस अंदर रखी हुई पथरी से निजात पाइए। ये एक खतरे का घर है, किसी भी टाइम ये पथरी आपको जानलेवा प्रॉब्लम में डाल सकती है। और अगर आपसे कोई कहे कि उसके पास इसके दवाई है, तो उसकी बातों में ना आइए, ये सरासर झूठ है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद कैसा खाना खाना चाहिए। गॉल ब्लैडर के हम बहुत प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, फिर भी लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या ऑपरेशन के बाद हमारी डाइट चेंज हो जाएगी, और क्या हमें हमेशा ही कुछ डिफरेंट खाना खाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप वो सब खा सकते हैं जो एक नॉर्मल लोग खाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के पहले कुछ दिन बॉडी में कुछ चेंजेस होने की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा खाने में बदलाव करना पड़े। ऑपरेशन के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे ऑपरेशन इट्सेल्फ एक बॉडी में स्ट्रेस होता है, उसके अलावा बाहर रहना, हॉस्पिटल में रहना, इससे भी आपको दिक्कत होती है, और जो ऑपरेशन की वजह से हम दवाइयाँ दे रहे हैं उससे भी पेट में कुछ एसिड बनता है, जिसकी वजह से भी खाने में आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि ऑपरेशन के दिन, यानी कि अगर आज सुबह ऑपरेशन हुआ है, तो शाम को हम कुछ लिक्विड डाइट देते हैं, जैसे पानी, नारियल पानी, लाइट सूप्स ऐसे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट से चेक करके उसे बताते हैं कि अगर सब ठीक चल रहा है, देन आप सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि पहले दिन कुछ हल्का खाना लीजिए, जैसे दलिया, खिचड़ी, दूध पत्ती टाइप, चाय के साथ हल्का बिस्किट, ये सब आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि खाना अच्छा न्यूट्रिशन हो, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उन्हीं को यूज़ कीजिए, और जो सीजनल अच्छे फ्रूट्स हैं वो यूज़ कीजिए। पहले कुछ दिन एक टाइम में पेट भरकर ना खाइए, यानी कि जैसे हम यूजुअली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, तो इसके अलावा आप दिन में एटलीस्ट 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ताकि एक ही टाइम में पेट के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्लो होने की वजह से वो आराम से वो उसे पचा पाए। एटलीस्ट ट्राई टू हैव 5 to 6 मील्स इन अ डे। अगर आपको पहले कुछ दिन ऑयली फूड डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ऑयल थोड़ा कम कर सकते हैं, और स्पाइसेस या मसाला, इस सब चीज़ों को भी पहले कुछ दिन कम रखिए, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स पहले कुछ दिन आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, उसकी वजह से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है। कुछ लोगों को नॉर्मल डाइट पे वापस आने में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, जैसे कि जिनकी एज ज़्यादा है या किसी और फैक्टर की वजह से उन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो धीरे धीरे अपनी डाइट चेंज करके नॉर्मल डाइट पे वापस आ सकते हैं। सो बेसिकली ध्यान रखना है कि पहले कुछ दिन आप लाइट खाना खाइए, उसमें ऑयल और मसाला और स्पाइसेस बहुत कम कर रखिए, और जैसे जैसे आपको लगे कि आप ठीक फील कर रहे हैं, आप नॉर्मल डाइट पे वापस आ सकते हैं। थैंक यू।
वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है या क्या आपके लाइफ स्टाइल में कोई चेंज आता है। तो सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो जितने साल आप जिएंगे उसमें कोई कमी आ जाएगी, ऐसा क्वेश्चन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ सोचना भी गलत है। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिससे जान जाने का खतरा रहता है, लेकिन अगर आप टाइमली गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवा लेते हैं और ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती तो इसमें लाइफ कम होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इसके बाद आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई फ़र्क पड़ेगा। दूसरा है कि क्या आपके खाने पीने में, आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप कुछ भी खा पी सकते हैं। गॉल ब्लैडर आपके अंदर अगर स्टोन है तो उसकी वजह से कुछ लोगों को फैटी मील्स खाने के बाद पेन रहता है, कुछ लोगों को एसिडिटी रहती है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और लॉन्ग टर्म में आप अपना खाना पीना और ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। ऑपरेशन के पहले कुछ दिन, किसी भी सर्जरी के बाद हम कुछ हल्का खाना की एडवाइस देते हैं, तो अगर उस पीरियड को हम भूल जाएं तो बाय एंड लार्ज आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी ही रहेगी। लोगों को लगता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल होने की वजह से अगर गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो बाइल जूसेस कम हो जाएंगे तो इससे डाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जिस गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं उस स्टोन्स की वजह से वो गॉल ब्लैडर अपने अंदर बाइल वैसे भी स्टोर नहीं कर पाता और स्टोन्स की वजह से वो बाइल को बाहर भी अच्छे से पंप नहीं कर पाता। तो इवन बिफोर सर्जरी भी ये डिजीज्ड गॉल ब्लैडर है, ये अपना काम यूजुअली ढंग से नहीं कर रहा और आफ्टर सर्जरी इसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप कि